नाज़रीन आदाब, डॉक्टर्स स्पीक ऑन कोविड-19 के आज के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज अहमद फ़याज। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम का आगाज़ आवाम के नाम इसी अपील से करते हैं कि न जाने कब कोविड की आलमी वबा हम उनसे निजात पाएंगे और हम इस वबा से पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि 6 फुट की दूरी, मास्क का इस्तेमाल, हाथों का साबुन से बार बार धोना, ये ज़रूरी लवाजमात हैं, ये SOPs हैं जिन पे अमल दरामद करना लाजमी है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में एक ख़ास बात ये है जो आगाज़ में हम आपको कहना चाहेंगे, वो यही है कि आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज 1 जुलाई 2021 है। इस दिन को नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर मनाया जाता है। डॉक्टर की अहमियत और अफादियत कोविड-19 के दौरान कुछ बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई। आपको मालूम है कि जब से कोविड-19 का दौर शुरू हुआ, जब से कोविड-19 का आगाज़ हुआ, तब से लेके अभी तक अगर सबसे ज़्यादा अच्छा, काबिल सराहना काम अंजाम दिया तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा यही डॉक्टर्स का तबका है और उनके साथ शाना बशाना काम करने वाला पैरामेडिकल स्टाफ। कोविड के चलते डॉक्टर्स ने इतना अच्छा काम किया और कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब कोविड वबा की शुरुआत हुई तो ये देखा गया कि जो बच्चा है, जो बेटा है, वो अपने बाप के पास जाने से कतरा रहा था, जो बाप है वो अपने बच्चे के पास जाने से कतरा रहा था। लेकिन यही डॉक्टर अपनी जान की परवाह ना करते हुए बराह रास्त राबता करते थे, जाते थे उनके पास, उन बीमारों के पास, कोविड-19 बीमारों के पास, और उनकी सेहत की देखभाल की। आपको मालूम होगा कि आज एक ट्वीट भी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आया। उन्होंने ग्रीटिंग्स की मुल्क के डॉक्टर्स को, उन्होंने उनको मुबारकबाद पेश की। ये बताना चाहेंगे कि जहां हम आज के इस दिन के मौके पर सल्यूट करेंगे, सलाम बजा लाएंगे उन डॉक्टर्स को जिन्होंने काबिल सराहना काम अंजाम दिया, लेकिन ये भी कहना चाहेंगे कि यहां जम्मू कश्मीर में कोविड के चलते अगर हम देखेंगे 24 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी जानें गंवाई। इसमें 6 जम्मू से वाबस्ता हैं और 8 कश्मीर से वाबस्ता हैं। टोटल 8 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोविड के चलते काम किया लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। पैरामेडिकल स्टाफ 16 ऐसे हैं जिन्होंने कोविड के चलते काम किया, अपनी खिदमात अंजाम दी, लेकिन आज हमारे साथ नहीं है। हम उन डॉक्टर्स को भी खराज अकीदत अदा करते हैं। आज के प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं, ये डॉक्टर शहला मीर साहिबा, रेनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट, नामवर माहिर अमराज खवातीन और एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ ओबेस्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, LD हॉस्पिटल, GMC श्रीनगर। डॉक्टर शैला मीर साहिबा, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में और साथ ही डॉक्टर्स डे के मौके पे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में दावत देने के लिए, और क्योंकि आज पूरी दुनिया में डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है तो आपके प्रोग्राम के जरिए मैं भी अपने कॉलीग्स और तमाम डॉक्टर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे विश करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शैला मीर साहब, आपके साथ और भी बात करेंगे, एक वक्फा ले लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में जो लोग कोरोना की वजह से फोत हुए उनमें 93% ने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाया था। अब ये बात साफ तौर सामने आ गई है कि आबादी के बड़े हिस्से को कोविड तो हो गया मगर वैक्सीन की बदौलत सख्त और खतरनाक शक्ल इख्तियार नहीं कर पाई, वो अपने ही घरों में ठीक हो गए। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में इस वक्त वैक्सीन ही हमारे सामने वाहिद इलाज है। झूठी खबरों और अफवाहों पर कान धरने की बजाय हम सब वैक्सीन लगवाने के सिलसिले में साथ साथ हैं। सही मालूमात काबिले एतमाद ज़राए से ही हासिल करें। कुछ अरसे से एक कोट सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे कि वैक्सीन लगवाने के 2 साल के अंदर
इंसान की मौत हो जाएगी. जी फॉर एवरीबॉडीज क्लैरिफिकेशन, दैट कोट इज एंटायरली फेक. याद रखिए, जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग हिफाजती टीके लगवाएंगे, उसी से हम सब कोविड से महफूज हो पाएंगे. कोरोना के खिलाफ हम सब एक साथ. नाज़रीन, दूरदर्शन की खसूसी पेशकश डॉक्टर स्पीक में एक बार फिर आपका खैर मकदम है. जैसा कि आप जानते हैं कि आप इस प्रोग्राम की वसातत से हमारे डॉक्टर साहब जो यहाँ पे मौजूद होते हैं या डॉक्टर साहिबा जो यहाँ पे मौजूद होती हैं, उनसे आप बराह रास्त रब्ता करते हैं, उनसे कंसल्टेशन हासिल करते हैं और हम इसके लिए दो फ़ोन नंबर आपके लिए मुहैया रखते हैं. फ़ोन नंबर को हम दोहराना चाहेंगे, 01942481813 और अगला नंबर है 01942481832. डॉक्टर शैला मीर साहिबा, जैसे हमने आगाज में बात की कि आज नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, थोड़ा सा स्टैटिक्स हमने आपको दे दिया कि जो कोविड चला, कोविड के चलते जो यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने जो काम किया, बिल्कुल काबिल सराहना है. और हमने ये भी आदाद शुमार दे दिए कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ऐसे 24 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है जिन्होंने अपनी जानें गंवाई इस दौरान. थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि बांडीपोरा से एक डॉक्टर, पुलवामा से एक, श्रीनगर से पांच, जम्मू से एक, और अगर पैरामेडिकल स्टाफ की बात करेंगे, अनंतनाग से दो, बारामूला से दो, बड़गाम से एक, गांधरबल से दो, कपवाड़ा से एक, पुलवामा दो, श्रीनगर एक, जम्मू चार, रियासी एक और उधमपुर एक. ये वो अमला है जिस अमले ने इतना काम किया कोविड के चलते, अपनी जान की परवाह ना की, और आज हमारे साथ ये स्टाफ जो है मौजूद नहीं है. हम डॉक्टर्स डे के मौके पे इस अमले को खराज अकीदत अदा करना चाहेंगे. तो किस तरह का आपका आगाज में मैसेज होगा डॉक्टर्स डे के हवाले से? मेरे ट्रिब्यूट्स अपने उन कोलीग्स को जिन्होंने इस कोविड 19 की स्ट्रगल के पीछे अपनी जानें गंवाई, और मेरी बेस्ट विशेस हमारे रेजिडेंट्स के लिए, हमारे उन तमाम डॉक्टर्स के लिए जो फ्रंट लाइन पे हैं इस कोविड पैंडेमिक की मैनेजमेंट के लिए. बहुत ही आपने जैसे डॉक्टर्स के हवाले से बता दिया, हमने डॉक्टर्स के हवाले से ये भी बता दिया कि मतलब जो बाप है वो बच्चे के पास जाने से कतरा रहा था, जो बच्चा है वो बाप के पास जाने से कतरा रहा था. लेकिन वाकई अगर मतलब अल्लाह के बाद जिसने इस दुनिया में इस मखलूक को लाया, अगर उसके बाद कोई सहारा है एक पेशेंट का, वो यही डॉक्टर है जो डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह ना करते हुए बीमारों की खिदमत करते हैं. हमारे साथ पहले कॉलर मौजूद हैं, ये महक है. महक बात कर रही है श्रीनगर से. अस्सलाम वालेकुम जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कहां से बात कर रहे हैं जी? मैं महक बोल रही हूं, मैं दरगाह से बोल रही हूं. दरगाह से बात कर रहे हैं महक जी, क्या बताना चाहेंगे आप, फरमाइए जी. मुझे डॉक्टर साहब से बोलना था, जब मेरे पीरियड्स होते हैं मुझे 10 डेज पहले से पेन रहती है, इतनी पेन रहती है कि मैं जीस्पास भी खाती हूँ तब भी मुझे फर्क नहीं होती है. इसके लिए मैं क्या करूँ? मैंने यूएसजी भी किया है, उस पे ओवरी सिस्ट दिखाए था उन्होंने, तो मुझे पेन रहती है, इसलिए मैंने कॉल किया. आप लाइन पे रहिए, डॉक्टर साहब आपको जवाब दे दीजिए. जी बताइए जी. महक जी, ये जो पेन रहती है मेंसेस होने से पहले मंथली पेन, इसके बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं जो रिलेटेड टू एज हो सकते हैं. मेरे ख्याल से आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो आप अनमैरिड एज? नहीं 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 जी, मेरी शादी हो गई है और मेरे दो बच्चे भी हैं. ओके, तो ये प्रॉब्लम आपको कब से है पेन जी? मुझे पहले से पेन रहती थी लेकिन फिर थोड़ी फर्क हो गई, लेकिन शादी के बाद अब मुझे बहुत ज्यादा पेन होती है. मैं जीस्पास भी खाती हूँ बट उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं जानना चाहूंगी कि ये जो आपको सिस्ट निकली है ओवरी में, इसके क्या फीचर्स हैं, इसका साइज क्या है? जी इस पे लिखा है 7 cc. 7 cc मीन्स कि ये 10 ml से कम का साइज है. आपकी सिस्ट मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही छोटी है जो नॉर्मली पेन नहीं देनी चाहिए, तो हम इस पेन को फुली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते आपकी सिस्ट के साथ. आप डॉक्टर साहब के पास आइए, हम आपका प्रॉपर चेकअप करेंगे, आपके रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस आपके केस में जो जरूरी होंगी वो करी जाएंगी, एंड वी विल हम एक डायग्नोसिस पे रीच करेंगे, और डायग्नोसिस जब बनेगा, हमें प्रॉब्लम का पता चलेगा, उसके बाद आपकी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट शुरू की जाएगी.
अभी हम प्रिलिमिनरी बेसिस पे नहीं कह सकते कि इतनी छोटी सिस्ट आपको इतनी ज्यादा पेन देगी जो 10 दिन रहेगी और आपकी डे टू डे एक्टिविटीज को अफेक्ट करेंगी. तो इसमें आपको डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ेगा और इवेलुएट कराना पड़ेगा खुद को. जी हाँ महक जी, जैसा कि आपने जवाब सुन लिया, आपको डॉक्टर साहिबा ने बता दिया, तो हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर शैला साहिबा ये चीज़ कि जो हामला ख़वातीन हैं, अभी जो वैक्सीनेशन का अमल यहाँ पे चल रहा है, ओवरऑल वैक्सीनेशन में अब रोज़ बरोज़ मतलब इसमें तेज़ी लाई जा रही है, लोग सामने आ रहे हैं, अब जो वहम गुमा है वो दूर होता जा रहा है, जो शक शुभात है वो दूर होते जा रहे हैं. यहाँ कुछ अजला ऐसे हैं, अगर हम गांदरबल की बात करेंगे या जम्मू की बात करेंगे, वहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे 45 एबो के एज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो उनकी वैक्सीनेशन जो है वहाँ पे 100% हुई है. तो ज़रूरत इस बात की है कि जो बाकी अमला है वो भी, लोग जो बाकी हैं वो भी इस चीज़ को अपनाएं. हमारे साथ एक कॉलर बशीर अहमद साहब लाल बाजार से बात करना चाहते हैं. बशीर साहब अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जनाब. वालेकुम अस्सलाम बशीर साहब, फरमाए तो क्या छू ऐसा जान जनाब. तो आई कैन मैन थर्म सलाम देखिए डॉक्टर साहब मैन थर्म सलाम. वालेकुम सलाम जनाब. अच्छे गाड़ी तुम लोग 5-6 रियत नंदरी ने रोज लिए वहाँ आने बेची तुम्हें खोर आसान न्याबरी भी सर न्याबरी तुझे ना आ रहा खोरन ऐसे वन तो इसके हक हो तुम्हें कहित. बशीर साहब खानदार ने क्या शबूस تمن جناب 48 اد تمن چھ ون منتھلی تکلیف باند گومت کہ ٹائم تمن چھ ماد گومت تمن چھ باچ باند زوائی چھ میت تمن چھ باچ باند کرگت اد اچ چھ سائنٹیفک ٹرمز ان مز وانا پوسٹ مینوپوزل سمپٹمز ایلی یہ ایک یہ زنان ائی کے فیز مز دیمس فیز مز چھ واتان زندگی ہندس یعنی کہ ایم سو مینسٹرل سائیکل چھ گسان کمپلیٹلی سٹاپ اتھ مز چھ جسمس مز واریا چینجز ایوان یت سٹ اڈاپٹ کرنس مز کہ ٹائم چھ لگان ایم زنان یہ ہے کہ وجہ اسس کہ ایمس کیا چھ نندر ایوان تہ بی کیا چھ ایمس نار چھٹ نیران کھور چھ نیبر تھوان تمک مطلب ایمس نار چھٹ نیران یہ چھ نہ کا خاص تکلیف کہ یت خطر پریشان گسنی ضرورت چھ ات خطر ای ایمس کہ دوا دن کہ کورس دن کہ اس ٹائمس خطر وار وار کر ایم سن جسم اڈاپٹ ٹو دس چینج تو وار وار شی ول سٹارٹ فیلنگ بیٹر تو ات خطر پے ایم اس ہاون ات خطر چھ ایوان کہ دوا دن کیلشیم سپلیمنٹس کہ ملٹی وائٹمنز ہارمون سپلیمنٹس یو شو انشاءاللہ گسان ٹھیک ات چھن پریشان گسنی ضرورت کہ مگر علاج چھس کرن تاکہ شی ول ہیو ا بیٹر کوالٹی اف لائف. جی بشیر صاحب تائبوزو جواب پن سوال یست کوئریس. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام ڈاکٹر سپیک آن کووڈ 19. وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटियां. खुश है ये आसमान जमीन हर तरफ छाए हैं हम ही ऐसी कूल है अपनी कहानी دل. ناظرین آپ اس وقت دوردرشن کے اندر سری نگر کے اسٹوڈیو سے براہ راست کنسلٹیشن حاصل کر رہے ہیں نامور گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر شہلا میر صاحبہ سے. ہمارے ساتھ ایک کالر بات کرنا چاہتی ہیں, سکینہ جی بٹمالو سے ہیں. سکینہ جی السلام علیکم. سلیمہ جی سلیمہ جی ونیو کیا چھو ایسا جانن تو یس. السلام علیکم. وعلیکم السلام ونیو سلیمہ جی. آواز کم پہن وا تھوڑا ون تو بڑ پہن تھا ہیلو سلیمہ جی اس بوز تہ سوال تھی ون تو تہ کیا وس تہ کیا وس
بوزو سلیما جی جواب تھی بوزو ڈاکٹر صاحبہ ون سلیما جی کن حدس تام ہر کنس زنانی یہ سفید آب رتس مز کہ ٹائمس روزان یہ اخ نارمل چیز مگر اگر واریہ زیادہ گسان یا اگر ات مشک یا پرائیویٹ پارٹسن پہ کشن چھان تیل چھ یہ نارمل کیل ات خطر چیک اپ کر اگر تھی اس نش یو ڈاکٹر صاحب وچو تھی چیک اپ ای کر ات سفید آب ات ہی ٹیسٹ کر یہ اک قسم انفیکشن ات ای دوا دن کن سات یہ بچہ دان تنفیکشن ہور کھوتمت تر خطر تی ان ٹیسٹ کر ضروری اگر الٹرا ساؤنڈ تیو کر سو تو ڈائگنوسس بن تم پہ یہ تک انفیکشنس خطر دوا دن تو یہ گھس انشاء اللہ تھی ٹھیک جی ہاں سلیما جی تھی بوجھو پنجاب ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے جیسا کہ آپ نے وہ ویکسینیشن کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ جو ابھی ہمارے پاس مطلب لیٹسٹ گائڈ لائنز جو ہیں کیونکہ سبھی تو زمرہ جو ہے جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو اعداد شمار دے دیے کس کس ڈسٹرکٹ میں یہاں پہ 100% ویکسینیشن ہوئی 45 کے ابو لیکن جو پریگننٹ لیڈیز ہیں حاملہ خواتین جو ہے ان کے حوالے سے ویکسینیشن کے حوالے سے کس طرح کی نئی گائیڈ لائنز ہمارے سامنے موجود ہیں جی جی کیونکہ فیزز میں ہم نے ڈفرینٹ پاپولیشن ایج گروپس کو کور کر لیا جیسے کہ پہلے اباؤ 45 تھا اس کے بعد 18-45 کو کور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس بیچ جو پریگننٹ لیڈیز کی پاپولیشن ہے وہ بھی ایک بڑا پرسنٹیج ہے پاپولیشن کا تو ان کو ہم اس بینیفٹ سے محروم نہیں رکھ سکتے ہیں ویکسینیشن کے پلس اگر پیشنٹ کو ویسے تو پریگننٹ لیڈیز میں بھی چانسز آف کووڈ انفیکشن اتنے ہی ہیں جتنے کے جنرل پاپولیشن میں ہیں مگر اگر کسی پریگننٹ لیڈی کو کووڈ انفیکشن ہو جاتا ہے تو یہ پایا گیا ہے کہ ان میں سیویریٹی آف ڈیزیز بھی کہیں کہیں زیادہ ہو سکتی ہے 10% پاپولیشن میں ڈیزیز سیویئر روپ لے سکتی ہے جس کا اثر پھر بچے پہ بھی پڑے گا تو اس وجہ سے ہم ان کو اس ویکسینیشن کے بینیفٹ سے محروم نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس ہفتے منڈے کی ڈیٹ پہ جو لیٹسٹ گائیڈ لائنس فریش گائیڈ لائنس آئی ہے یونین ہیلتھ منسٹری کی طرف سے وہ یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ ساری پریگننٹ لیڈیز کو اب ویکسینیٹ کیا جائے اسی طرح جس طرح سے ہم نان پریگننٹ پیشنٹس کو یا پاپولیشن کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں 2 doses 12 hours کے انٹرول کے بعد اور دیکھا گیا ہے کہ یہ بالکل سیف ہے اس میں کوئی وہم و گمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے کسی کی فیوچر فرٹیلیٹی پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہے اس سے بچے کی بناوٹ پہ کوئی ایفیکٹ نہیں دیکھا گیا ہے اب بھی جو بھی ریسرچ ہوئی ہے جو بھی ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے مختلف ممالک سے اس میں کہیں بھی یہ ایویڈنس نہیں ہے کہ بچے یا ماں پہ کوئی برا اثر ہے جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے صفا قدل سے طاہرہ جی بات کرنا چاہتی ہے السلام علیکم طاہرہ جی السلام علیکم سر وعلیکم السلام بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحبہ سے ہاں پہلے ڈاکٹرز ڈے پہ ہم انہیں مبارکباد دینا چاہیں گے تھینک یو مبارک تھینک یو ڈاکٹر صاحب میری ڈیلیوری کو 2 months ہو گئے تو مجھے سیزرین ڈیلیوری ہوئی ہے لیکن اب مجھے سارے جوائنٹ میں پین رہتی ہے جی مطلب میں بیبی کو اپنی لیپ میں نہیں اٹھا پا رہی ہوں مجھے نیز میں پین ہے زیادہ تر مجھے ایلبو جوائنٹ میں اینکل جوائنٹ میں پین ہے رسٹ جوائنٹ میں سارے جوائنٹ میں ایسے پین ہے کہ میں بیبی کو اب اٹھا ہی نہیں پا رہی ہوں اپنی لیپ میں جی جی یہ جوڑوں کی کمزوری ہڈیوں کی کمزوری ڈیلیوری کے بعد ہونا لازمی ہے کیونکہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کو اپنا دودھ پلاتی ہے تو جب وہ چھاتی سے لگاتی ہے بچے کو جو دودھ فلو کرتا ہے اس میں جسم کا کیلشیم بھی نکل جاتا ہے ایٹ دا ایکسپینس آف مدرز اون کیلشیم سٹورز تو اس میں بہت ضروری لے رہی ہوں اس کے لیے میں نے کیلشیم لیا لیکن اس سے مجھے کچھ خاص فرق نہیں پڑ رہی ہے میں کل اینڈوکرینالوجسٹ کے ساتھ بھی کال بات کرنے کی کوشش کی لیکن انفارچونیٹلی کال کنیکٹ نہیں ہو پائی جی جی آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ لگتا ہے کہ کیلشیم ڈیفیشنسی ہی ہے آپ کو ہو سکتا ہے آپ پراپر ڈوزیج میں نہ لے رہی ہوں کیلشیم اس کی ڈوزیج ہوتی ہے 1000 to 1500 milligrams پر ڈے تو آپ کو 500 کے 2 tablets کھانے پڑیں گے اور یہ تب تک آپ کو کھانا پڑے گا جب تک آپ کا بچہ دودھ سے ہٹ کے باقی غذا کھانا شروع نہ کرے دیٹ مینس آپ کو 6 months کے قریب یہ کیلشیم کھاتے رہنا ہے اس کے باوجود اگر آپ کو پین رہتی ہے تو
फिर लगता है ज़रूरत पड़ सकती है आपको ऑर्थोपेडिशियन को कंसल्ट करने की, नॉट एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ये हड्डियों की प्रॉब्लम है तो आपको हड्डियों के डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, लेकिन पहले आप अपना कैल्शियम का प्रॉपर डोज लीजिए, प्लस आपको अपनी जनरल डाइट पे भी ये देना है तवज्जो। आपको पानी बहुत लेना है, कैल्शियम रिच फूड्स जैसे दूध, अंडे, ये सब आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेने पड़ेंगे। प्लस एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, जो कश्मीरी औरतें नेग्लेक्ट करती हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम रहती है, औरत बाहर नहीं निकलती है, अपनी सेहत पे कम ध्यान देती है, बच्चे पे ज़्यादा, तो उस वजह से ये जोड़ों का दर्द हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपने ये मशवरा इनको दे दिया कि इनको जाना है कि जो जोड़ों के हवाले से इनको प्रॉब्लम है तो उस हवाले से कंसल्टेशन करें, लेकिन जो आपने कैल्शियम के हवाले से बता दिया तो कौन सी गजाएं, थोड़ा सा आपने बता भी दे दिया इनको, थोड़ी वजाहत इसकी चाहेंगे कि कौन सी गजाएं ऐसी हैं जो लेनी चाहिए ये कैल्शियम के हवाले से। जी जी, कैल्शियम रिच फूड्स में हम मानते हैं मिल्क सबसे ऊपर लिस्ट में है, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स ऊपर लिस्ट में हैं, प्लस नट्स, उनमें एक अच्छा आलमंड्स, कैशू नट्स, इनमें एक अच्छी क्वांटिटी होती है कैल्शियम की। अंडे भी रिच सोर्स ऑफ, वो एक बैलेंस डाइट फॉर्म करता है, उसमें सारा कॉम्बिनेशन है, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिंस, तो इट्स अ कंप्लीट डाइट इन इट्स ओन। जी जी, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, राजबाग से साइमा जी बात करना चाहती है। साइमा जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम। जी जी, बताइए। पहले आई वॉन्ट टू विश यू हैप्पी डॉक्टर्स डे। थैंक यू सो मच। यू पीपल हैव बीन वर्किंग आई मीन इनक्रेडिबली थ्रू आउट। और मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है, I have a history of endometriosis. जी. And I have a history of regions as well. जी. So उस वजह से प्रॉब्लम मेरे को बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग पीरियड्स होते हैं एंड इट एक्सटेंड्स टू ऑलमोस्ट अ मंथ। आई मीन एट द टाइम ऑफ रमजान ऑलमोस्ट 25 डेज मेरे साइकिल्स कंटिन्यू हुए। सो उसके बाद माई एच बी लेवल वेंट फ्रॉम 12 टू 8 ऑलमोस्ट। सो उसके बाद जो मेरे पर्सनल गायनोकोलॉजिस्ट थे, He told me to go for a procedure that is IUD. ठीक है? आप दोहराएंगे कौन सा प्रोसीजर? IUD, intrauterine device. उन्होंने place किया. Yeah, exactly. So उसके बाद I was expecting कि शायद कुछ ठीक हो जाए, but उसके बाद थोड़ा complications ही हुई. मेरा cycles irregular होना start हो गए, bleeding irregular हो गई और pain बहुत ज्यादा रहता है. Plus जिन दिनों मेरे cycles नहीं होते उन दिनों white discharge is like, I mean, I'm on the verge of breakdown. इतनी हालत खराब हो जाती है. साइमा जी, दो बातों का जवाब दीजिए, क्या आप शादीशुदा हैं? जी जी, मैं, मेरे दो बच्चे हैं, आई एम 30 इयर्स ओल्ड, मेरे दो बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूँ। स्टिल आपकी एज अभी कम है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। एग्जैक्टली, गायनोकोलॉजिस्ट ने एक्चुअली सजेस्ट किया था दैट दे वुड गो फॉर हिस्टेक्टोमी, बट दे सेड सिंस यू आर लाइक, आप अभी बहुत छोटे हो, सो वी वोंट ऑप्ट फॉर दैट। जी जी, तो ये आईयूडी आपने इस्तेमाल किया हुआ है कि आपने ऑप्ट आउट किया? नहीं नहीं, आई ऑप्टेड फॉर इट, ऑलमोस्ट एक महीना हो गया। okay. अभी वो डिवाइस प्लेस हुआ है। तो साइमा, ये जो डिवाइस है आपका, ये स्लोली आप हॉर्मोन्स या मेडिसिन बॉडी में रिलीज करेगा। okay, क्योंकि fine. अभी एक ही महीना हुआ है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट आएगी आपके हेल्थ स्टेटस में, बट इंशाल्लाह इट विल शो इट्स इफेक्ट एंड बेनिफिट्स ऑन योर हेल्थ स्टेटस। यू हैव टू कीप पेशेंस बिकॉज एंडोमेट्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। होप यू शुड, you are lucky that you have conceived and you have completed your family by the age of 30. But we can understand ki ye problem hai aapko, pain iski wajah se aapko quality of life bahut affect ho raha hoga, but kuch time aap manage kar sakti hain is intrauterine contraceptive device se. It will definitely show its good effects on your health. Aur kuch time baad jab aap near natural menopause pahunchengi, abhi to aap 30 years hi hain, maan lijiye aap 43-45 touch karengi jo age hoti hai natural मेनोपॉज की, उस वक्त फिर आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा हिस्टेरेक्टोमी का। बट अगर आप अभी कराने जाएंगी तो दैट विल बी अ सर्जिकल आइट्रोजेनिक मेनोपॉज, जिससे आपको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स आएंगे। तो अब ऐसा समझना है कि हर बीमारी का 100% इलाज तो होता नहीं है, कुछ चीजें होती हैं जिनमें पूरा बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं आता है, कुछ देर तक आपको मैनेज करना पड़ेगा विद दिस मेडिकल मैनेजमेंट ओनली। आई वॉन्ट टू आस्क अनदर थिंग, मेरा यूजुअली माई नकल्स यूजुअली बहुत ज्यादा पेन करते हैं, lower back बहुत ज्यादा एक करता है, एंड आई एम एनीमिक एज वेल, राइट नाउ आई हैव एच बी लेवल ऑफ ऑलमोस्ट 7.5, सो व्हाट यू सजेस्ट इन दैट केस, व्हाट शुड आई डू?
तो दो चीजें हैं, एक तो आपका एनीमिया है, मॉडरेट एनीमिया कैटेगरी में आप फॉल करती हैं 7.5, तो आपको आयरन सप्लीमेंट्स बहुत लेने पड़ेंगे, जो आप नॉर्मल डाइट लेती हैं उससे आपका आयरन रिक्वायरमेंट सफाइस नहीं होगी। तो एक अच्छा सा आपने डॉक्टर को कंसल्ट करके आपको एक अच्छा आयरन कंटिन्यूअसली लेना पड़ेगा ताकि आपकी हीमोग्लोबिन लेवल्स ठीक रहें और जो एनीमिया के इफेक्ट्स आते हैं, फटीगेबिलिटी, वीकनेस, वो आपको नहीं रहेगी। दूसरा, जो आप नकल्स की पेन बोल रहे हैं, वो जैसे इससे पहले जो कॉलर डिस्कस कर रहे थे हमारे साथ, ये मोस्ट प्रोबेबली फीमेल्स को कैल्शियम डिफिशियंसी होती है, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस किया है, यहाँ सन का एक्सपोजर ज्यादा नहीं रहता है, तो यहाँ विटामिन डी डिफिशियंसी मोस्टली रहती है फीमेल्स को। जी, जी। तो वो आपको सप्लीमेंट्स उसके लिए भी लेने पड़ेंगे, और तब भी अगर ट्रीट नहीं होता है तो फिर हमें बाकी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स रूल आउट करनी है, जैसे रूमेटिक आर्थराइट्स वगैरह, वो सब रूल आउट करना है, बट पहले आप ये मेडिकल मैनेजमेंट आजमा के देख लीजिए। नाज़रीन, देखते रहिए प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19, दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा खसूसी प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19। नाज़रीन, डॉक्टर शैला मीर साहिबा, ये बताइए कि जो अभी आपने बात की आयरन डिफिशेंसी के हवाले से, जो कॉलर हमारे साथ साहिबा जी थी, ये बताए कौन से मुहरिकात ऐसे रहते हैं जिनकी वजह से ये आयरन डिफिशेंसी देखी जाती है ख्वातीन में? क्या कुछ एडोलेसेंट एज में कुछ मतलब कोताही बरती जा रही है इस हवाले से? जी जी, बेसिकली हेल्थ अवेयरनेस यहाँ पे हमारे दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कम है। तो क्या होता है कि एक लड़की जो है वो एंटर होती है एडोलेसेंस में विद लो हीमोग्लोबिन लेवल्स, क्योंकि उसके न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है सिंस चाइल्डहुड। तो उसकी वजह से फिर जब वो शादी करती है और शी एंटर्स इनटू हर चाइल्ड बियरिंग एज, तो वो एंटर होती है इस फेज में विद लो हीमोग्लोबिन स्टेटस, और प्रेगनेंसी फर्दर उसके हीमोग्लोबिन लेवल को कम कर देती है, तो विद द रिजल्ट कि वो फुल फ्लेज्ड एनीमिया में एंटर करती हैं। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरा ये है कि कुछ पेशेंट्स को, जैसे अभी साइमा साहिबा ने बोला कि उनको एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिस्म में, इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसकी वजह से ब्लीडिंग, ब्लड लॉस जिस्म से ज्यादा हो, और उसकी वजह से फिर इसका आयरन स्टोर्स डिप्लीट हो जाते हैं और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। बिसाइड्स कभी कभी हाजमे की प्रॉब्लम रहती है कुछ औरतों को, जिसको मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कहते हैं, कि कुछ लोगों को वर्म इन्फेस्टेशन होती है, या कुछ लोगों को ब्लीडिंग होती है अदर सोर्सेज से, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, स्टोमक में, अंतड़ियों में, वहां पे ब्लड लॉस हो सकता है, तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। प्लस कभी कभी बोन मैरो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अभी जो हमारे पास तो, सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम चल, जैसे पोषण अभियान चल रहा है, कि जो हमारी छोटी छोटी लड़कियां हैं जो एडोलेसेंट एज में हैं, उनको कौन सी गजाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह के, तो उस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे आप, उसका भी हम आपसे जवाब ले लेंगे। पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। अवाम की आवाज, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा की अवाम की आवाज ब्रॉडकास्ट होती है डीडी कशिर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के सभी आकाशवाणी केंद्रों पर महीने की हर तीसरी इतवार को सुबह 11 बजे। सुनना न भूलिए अवाम की आवाज। नाज़रीन, दोबारा इस्तकबाल है आपका हमारी खसूसी पेशकश डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 में। पुलवामा से एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं, आइए उनका नाम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताएं आप। जी, मेरा नाम शैलजा है, मैं पुलवामा से बोल रही हूँ। जी जी हाँ, बताइए क्या पूछना चाहेंगे आज। जी मैम, मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि मेरे पेरेंट्स मतलब 6 दिन तक रहते हैं। हेलो जी जी, डॉक्टर साहब सुन रही है, आप बताइए। जी मैम, उसके बाद मुझे मतलब लगभग 8-10 दिन तक रहते, बीच बीच में वो ड्रॉप हो जाते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम है, मुझे यही पूछना था। जी इसके लिए हमें जरूरत है कि हम आपका प्रॉपर चेकअप करें, और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें इमेजिंग की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि अल्ट्रासाउंड, तो वो हमें करने की जरूरत है ताकि हम एक डायग्नोसिस पे पहुंचे। ठीक है, मतलब ये कोई प्रॉब्लम हो सकती है?
ये प्रॉब्लम हो भी सकती है, प्रॉब्लम नहीं भी हो सकती है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर को दिखाने की काफ़ी ज़रूरत है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती है, बहुत मामूली सी हार्मोन्स में इम्बैलेंस होती है तो वो दवाइयों से ट्रीट हो जाती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है लेकिन इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, बोहरी कदल से बात करना चाहती है, हमारी मुस्तकिल कॉलर है, सबा जी है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबा जी, क्या पूछना चाहेंगे आज आप? जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि एज अ कल्चर कश्मीर में ये होता है कि आफ्टर डिलीवरी कोई भी मतलब जो वुमेन होती है उसको घर में सिर्फ एक महीने के लिए सिर्फ गोश्त दिया जाता है, सब्जी का तो नाम ही नहीं दिखा, कहते कि इससे सर्दी हो जाएगी, फ्रूट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं। अब ये बोलते हैं कि 40 दिन को इसको मतलब इसको वॉश न करो, कुछ भी नहीं, तो ये सारी बातें कहाँ तक सही है? मेडिकल में इसका क्या कुछ ऐसा है कि नहीं कि ये सब चीजें जरूरी है, तो इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी मतलब डॉक्टर। जी जी हाँ, जवाब सुनिए, डॉक्टर साहब बता देंगे। जी सबा, ये एक मिथ है, इसमें कोई साइंटिफिक ग्राउंड नहीं है कि सिर्फ मीट खिलाना है पेशेंट को। अगर हम सिर्फ मीट खिला रहे हैं तो हम उसको सिर्फ आयरन प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रोटीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक डिलीवर्ड पेशेंट को या फॉर दैट मैटर किसी भी इंसान को एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, जिसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट्स होने चाहिए प्रोटीन के, मिनरल्स के, विटामिंस के, प्लस कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ क्वांटिटी और फैट्स की कुछ क्वांटिटी, तो ये मीट से प्रोवाइड नहीं होगा। अगर हम सिर्फ मीट खिला रहे हैं तो उसको साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं उसके, तो ज़रूरत है कि हम उसको प्रॉपर रिहाइड्रेशन दें, क्योंकि वो बच्चे को दूध दे रही है, उसको जिस्म में पानी की काफ़ी कमी हो सकती है, तो पानी रिहाइड्रेशन पे बहुत ध्यान देना है, उसको फ्रूट्स बहुत देने हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी बरकरार रहे, वो इन्फेक्शंस का शिकार ना हो, प्लस उसके जो टिश्यूज़ में जख्म लगे हैं डिलीवरी के टाइम पे वो हील हों, तो उसके लिए प्रोटीन्स भी बहुत ज़रूरी, तो एक बैलेंस डाइट देना है। और ऐसा नहीं है कि एक हम डिलीवर्ड औरत को फिर सिर्फ बिस्तर में बिठा के रखना है, उसको इंश्योर करना है कि उसको फिजिकल एक्टिविटी बराबर बनी रहे ताकि उसका वजन ना बढ़े, उसकी हड्डियों और जोड़ों पे असर ना पड़े, तो ये एक मिथ है, इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहिबा, ये थोड़ी सी इसकी वजाहत आप और कीजिए कि ये जो इन्होंने खाने के हवाले से बात बता दी, जो ख्वातीन को बाद में जब उनकी डिलीवरी होती है फिर वो दोबारा मायके चले जाती है, यहाँ एक रीत रही है, यहाँ ये भी यहाँ कुछ सोशल इश्यूज भी इस सिलसिले में सामने आ जाते हैं, ये भी कभी कभी कहीं कहीं कहा जाता है कि दस वेरे टू कूर साइन तो वहाँ क्या जो थस खून की दिस इज अ बैड फेस ऑफ आवर कल्चर। ऐसी भी बातें हैं, ऐसे भी इश्यूज हैं, लेकिन ये खाने के हवाले से जो आपने ये सभा जी ने जो सवाल पूछा, जो उन्होंने मीट के हवाले से सवाल किया कि नहज मिसज गज डेली माज पायन इन अन्न तो ताद गए राशियन काटन सुरास कैसे आसुन युद्ध के दादा कैसे थोड़ा लिदर आसिन त्रैवितन, ये जो यहाँ की रिवायात जो है वो मैं आपको उससे गोशगुजार करना चाहता हूँ आपको, तो ये इन चीज़ों से हमें किस तरह से पीछे आना चाहिए, और ये जो ग़ज़ाओं के हवाले से आपने बात की, कौन सी ग़ज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जो मुफीद साबित हो इस खातून के लिए? जी जी, पहले तो क्योंकि ये औरत जो डिलीवर हो चुकी है, इसको बच्चे को दूध पिलाना है, तो उसको अच्छी मिल्क प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि इसका जिस्म का कैल्शियम बरकरार रहे, तो उसके लिए इसको खुद दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स लेने की अच्छी ज़रूरत है, प्लस ये प्रोटीन्स लेती रहे जो नॉट नेसेसरली कि सिर्फ मीट से मिले, वो ये मछली खा के भी ले सकती है, वो ये दालों में भी प्रोटीन्स होता है, यानी कि वेजिटेबल सोर्स के भी प्रोटीन्स होते हैं जिनके अपने बेनिफिट्स होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि नॉन वेज से ही इंसान सारे प्रोटीन्स डिराइव करे, प्लस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि उन्हीं में सबसे ज़्यादा मिकदार होती है प्रोटीन्स विटामिंस की और मिनरल्स की, जो ज़रूरी है पेशेंट की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। हांद कैसे दी? हाँ, इट्स अ ग्रीन वेजिटेबल, इट्स गुड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है खाने में, कहने का मतलब है कि सिर्फ मीट ना खाए, उसमें सब्जियां डाले, फ्रूट्स काफी ले, पानी बहुत पिए, ऐसा कुछ नहीं है जो मीट भी थोड़ा जरूरी है, होते हैं टेबन गैस पास आप में दियो कीहिन पाचुन स्रान ते करुन कीहिन, तो हाइजीन मेंटेन करना तो बहुत जरूरी है। जो टेक्निक्स हैं सिजेरियन सेक्शन की भी है डिलीवरीज की, वो बहुत ज्यादा रिफाइन हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि जख्म पे कोई असर पड़ेगा अगर पेशेंट नहाएगा। डॉक्टर साहब, सोरा से हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर है, ये अनम साहिबा बात करना चाहती है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल पूछे, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी डॉक्टर साहब, मेरी कजन है, वो 13 इयर्स ओल्ड है, उनको ईद से
14 इयर्स ओल्ड मेरी सिस्टर है, उनको इरेग्युलर पीरियड्स हो रहा है जी। तो अन्नम इनको पीरियड्स कब शुरू हुए हैं? इनको 10 ईयर ओल्ड थी तो इनकी पीरियड स्टार्ट हो गए, तो अभी ये 14वें साल में हैं। जी हाँ मैम जी। तो जब एक औरत एडोलेसेंस में चली जाती है और उसकी मीनार्की शुरू हो जाती है, तो कुछ देर तक जो जिस्म का निज़ाम होता है, ओवरीज का अपना निज़ाम होता है कि हर मंथ ओव्यूलेशन होनी चाहिए, वो पूरी तरह से एकदम से इस्टेब्लिश नहीं होता है, धीरे धीरे कुछ सालों में इस्टेब्लिश होता है। तो जब तक ये अंडा हर महीने ना बने, तो ये जो साइकिल्स होते हैं एक औरत के, वो भी इरेगुलर रहते हैं, ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है। ऐसा ये मेंस्ट्रुअल लाइफ जो है, ये मीनार्की शुरू होने पे भी होता है और जब ये खत्म हो जाता है टुवर्ड्स मीनोपॉज, तब भी ये इरेगुलरिटी नॉर्मल मानी जाएगी। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है कि इरेगुलर साइकिल्स होते हैं, एक महीने मिस हो जाते हैं, दूसरे महीने फिर हैवी हो जाते हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल। ओके मैम। और मेरी दूसरी सिस्टर है, वो 17 इयर्स ओल्ड है। जी हाँ हाँ, वो 17 इयर्स ओल्ड है, लेकिन उसको जब भी पीरियड्स होते हैं तो वो 10-20 डेज कंटिन्यूअसली रहता है उसको। जी जी। नहीं तो ये 10-20 डेज पीरियड कंटिन्यूअसली रहना तो नॉर्मल नहीं है, इसके लिए टेस्ट कराने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि वजह क्या है और इनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि 10-20 डेज तो नॉर्मल ड्यूरेशन नहीं है साइकिल्स की। नॉर्मल ड्यूरेशन 2-7 दिन की होती है, तो इसके बियॉन्ड तो एबनॉर्मल ही माना जाएगा और इसके लिए इनको इवैल्यूएशन टेस्ट और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। जी, हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त सोबरा से बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम बताएं अपना। जी मैं अंजुम परवेज हूँ सोबरा से। जी अंजुम जी, पूछिए क्या पूछना चाहेंगे। पहले आई वांट टू विश ऑल द वेरी सक्सेस टू ऑल डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड टू आवर डॉक्टर्स इन कश्मीर। थैंक यू। थैंक यू। हु आर वर्किंग एज फ्रंट वॉरियर्स इन दिस पैंडेमिक। तो मुझे डॉक्टर शैला से मुझे एक क्वेश्चन है मेरा, कि मेरी राइट टांग में अक्सर मुझे पेन होती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो मैंने यूएसजी भी करवाया तो मगर उसमें कोई ऐसा सिस्ट वगैरह का, मतलब इट डिडंट प्रेडिक्टेड एनीथिंग, कुछ भी नहीं था। तो मगर उसके लिए फिर डॉक्टर साहब ने मुझे कैल्शियम सप्लीमेंट दिया, CCM, बोला CCM आप कंटिन्यू करें। अब मुझे ये पूछना था कि CCM में कब तक कंटिन्यू करूं? जी हाँ, जवाब सुनिए, डॉक्टर साहब बता देंगे। जी, ये जो आप अंजुम साहिबा बोल रही हैं कि मुझे राइट लेग में पेन है, तो हमारे हिसाब से ये आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम या यूट्रस या ओवरीज की तकलीफ की वजह से नहीं है, उसकी पेन आपको राइट लेग में या किसी एक लेग में रेडिएट नहीं होगी। तो मेरा मशवरा ये रहेगा कि आप ऑर्थोपेडिशियन को कंसल्ट करें। और एक चीज़ होती है डिस्क प्रोलैप्स, वो एक ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम होती है स्पाइन में, तो वो आपको रूल आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये लगता है कि ये डिस्क प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, नॉट दिस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ यूट्रस और द सिस्ट पर से। सिस्ट की प्रॉब्लम, सिस्ट की पेन पेट में रहेगी, ये रेडिएट नहीं होगी एक टांग में। जी हाँ, अंजुम जी कुछ और पूछना चाहेंगे? जी जी जी, मुझे ये पूछना है, ये जो कैल्शियम सप्लीमेंट है ये कब तक हम ले सकते हैं? कैल्शियम सप्लीमेंट आपकी जिस्म की जरूरत के हिसाब से, अगर आपका छोटा बच्चा है, दूध पीने वाला है, तो आपको कंटिन्यू करना है। बट अगर ऐसा नहीं है, आपके डाइट में आपको लगता है कि बैलेंस डाइट ले रहे हैं, डिफिशियंसी नहीं है, तो आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी दवाई 100% सेफ भी नहीं होती है। इस तरह से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कंटिन्यूअसली दवाई खाना भी सही नहीं रहेगा। नाज़रीन देखते रहिए प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक, जल्द हाजिर खिदमत होते हैं। बढ़ते कोविड केसेस के दौरान आम बीमारियों के लिए अस्पतालों में इलाज कराना और डॉक्टरों के साथ आमने सामने सलाह मशवरा लेना मुश्किल हो गया। जब मरीज डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए कोविड का खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार नहीं दिखाई दे रहे, तो सरकार ने टेली कंसल्टेशन के जरिए ऑनलाइन OPG ई संजीवनी खिदमत पेश की। अब मरीज किसी भी दूरदराज इलाके में अपने घरों से ही वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टरों से तिबी मशवरा फेस टू फेस हासिल कर सकते हैं। प्लेसेंटा का क्या लिखा है? सबसे पहले esanjeevni.opd.in पर रजिस्ट्रेशन करके टोकन हासिल कर लीजिए। पुराने नुस्खे और हेल्थ रिकॉर्ड्स अपलोड कीजिए। क्लिनिक में अपनी बारी मिलते ही डॉक्टर साहब के साथ वीडियो के जरिए बात करें। हजारों बीमार ऑनलाइन मुफ्त डॉक्टरी सलाह हासिल कर चुके हैं।
आप भी esanjeevani.in पर जाकर ये फायदा हासिल कीजिए। नाज़रीन, दूरदर्शन की खसूसी पेशकश डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड 19 में एक बार फिर डॉक्टर्स डे के मौके पर जम्मू कश्मीर के तमाम डॉक्टर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्किस साहिबा है। वालेकुम अस्सलाम, बताइए बिल्किस साहिबा। डॉक्टर साहब, मैं दूसरा बच्चा कंसीव करना चाहती हूँ, लेकिन 5-6 महीने से मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बच्चा ही नहीं लग रहा है। बिल्की साहिबा, आपका पहला बच्चा कितना बड़ा हो चुका है? वो चौथे महीने में, चौथे साल में चल रहा है। चौथे साल में चल रहा है। और आप दूसरा बेबी 4 महीने से प्लान कर रहे हैं? 4-5-6 महीने से लगभग मैं कंसीव करना चाहती हूँ जी। अभी तो आपको नेचुरल मेथड से ही कंसीव करने की कोशिश करेंगे, और अगर एक साल के अंदर अंदर आपको नेचुरल मेथड से कंसीव नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद फिर आपको इवैल्यूएशन और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पहले आपको नेचुरल मेथड से कंसीव करने की कोशिश करनी चाहिए हमारे मशवरे से। और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, कोई और मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी कम आप मान रहे हो, ऐसी कोई तकलीफ तो नहीं है आपको, जनाना तकलीफ? जब वो इस वक्त लाइन पे मौजूद नहीं है, डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो लेट मैरिज का जो इशू है जी, क्या वो कहीं पे मतलब ऐसा कोई सामने इशू तो नहीं आ जाता है कि जो बच्चा बनने के कम चांसेस रहते हैं? बिल्कुल, एज का डायरेक्ट इफेक्ट है फर्टिलिटी पे जी। एक औरत की आइडियल एज जो होती है बच्चा रखने की, वो आफ्टर 22 ईयर्स, मान लीजिए 20 ईयर्स, और आफ्टर 30 ईयर्स ये बहुत रैपिडली फर्टिलिटी एक औरत की डिक्लाइन हो जाती है, और अगर आप मानेंगे 35 इयर्स के बाद तो फर्टिलिटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। तो आइडियल एज बच्चा रखने की है बिटवीन 22 to 30 इयर्स, जिसमें सबसे ज्यादा अंडे मौजूद होते हैं एक औरत के जिस्म में, और चांसेस ऑफ कंसेप्शन बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, प्लस जो एग्स की क्वालिटी होती है वो भी अच्छी रहती है इसी एज ग्रुप में, और आफ्टर 30 उनकी भी क्वालिटी काफी डिक्लाइन हो जाती है। और इसके अलावा बॉडी में, जिस्म में बाकी भी चेंजेस आती हैं, पेल्विस में चेंजेस आती हैं, हड्डियों में चेंजेस आती हैं, जो कंसेप्शन के लिए फिर बाद में फेवरेबल नहीं होती हैं, जिनसे प्रेगनेंसी का आउटकम है रिजल्ट फिर खराब रहता है। तो इसलिए आइडियल एज यही है, तो हमारे हिसाब से वी विल एनकरेज अर्ली कंसेप्शन। एक और कॉलर हमारे साथ साइमा जी बात करना चाहती हैं लाल बाजार से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हां साइमा जी, पूछिए क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब। साइमा लाल बाजार पे ؤنس کیا چھو یہاں زان سائم ڈاکٹر صاحب ون کہ مل پیریڈس مل تک مزہ زیادہ پین مے سو لیفٹ اووری سسٹ 20.8 cc۔ سائما جی تاچھو کی سسٹ واریا لکٹ باسان چھو کہ ام سٹ اس نی پین کے ون پین سائیکل زن دوران گسنس چھ واریا وجوہات آسان یت کن ائی کے کال ون ون کی تمن چھ اینڈومیٹروسس تکلیف یت کن ہکن فائبرائڈز تہ اسد بچ دانی منس یا انفیکشن ہکے اسد تم سری کازز چھ اس وچھن ات ای تو یو اس نش ڈاکٹر صاحب کرن تے پراپر چیک اپ یم ضروری انویسٹیگیشنز آسن تم کرن اس واتو کن نتیجہ سپیکٹ کی کم وجہ سے چھ تو یہ پین تے تاکی پٹ انشاءاللہ علاج تے دن جی۔ ہاں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو فائبرائڈز کی آپ نے بات کی، کیا فرٹیلیٹی اور اس کا کوئی آپس میں تعلق ہے؟ تھوڑا اس کی وضاحت جی۔ کچھ فائبرائڈز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کوئی تکلیف نہیں دیتے ہیں، 50% فائبرائڈز ایسے ہوتے ہیں جو جسم کو کوئی تکلیف نہیں دیتے ہیں، بٹ کچھ فائبرائڈز ایسے بھی ہیں جو اپنی لوکیشن کی وجہ سے، کہ وہ کون سی جگہ آکیپائی کرتے ہیں یوٹرس کے اندر، ان کا سائز کیا ہے، ان کا افیکٹ کیا ہے یوٹرس کے اندر والی تہ پہ، تو اس یہ سارے فیکٹرز ڈیٹرمائن کرتے ہیں کہ اس فائبرائڈ کی وجہ سے اس کی فرٹیلیٹی پہ کوئی افیکٹ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا۔ ادروائز بائی اینڈ لارج 50% فائبرائڈز یوزلی اے سمٹومیٹک ہوتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو کووڈ 19 کے حوالے سے ہم نے بات کی، اس سلسلے میں جو حاملہ خواتین ہیں یہ رسک فیکٹر کن میں زیادہ ہے؟ جی، اوور آل تو دیکھا گیا ہے جو ICMR
ने बताया है हमें या जो रिसर्चेस हुई हैं, स्टडीज हुई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो ये बताती हैं कि जितनी रिस्क कोविड 19 इन्फेक्शन की जनरल पॉपुलेशन में है उतनी ही प्रेग्नेंट पेशेंट्स में भी है। बट अब अगर किसी प्रेग्नेंट पेशेंट को कोविड 19 इन्फेक्शन हो जाता है तो 10% इनमें से 10% में चांसेस हैं कि सिवेरिटी ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी पर से एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, इम्यूनिटी कम होती है, तो इस वजह से अगर इन्फेक्शन हो गया तो सीवेरिटी बढ़ भी सकती है, इनको आईसीयू एडमिशन और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी पड़ सकती है और उस सूरत में फिर बच्चे पे भी बुरा असर पड़ सकता है। अब इस प्रेग्नेंट पॉपुलेशन में भी कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो हाई रिस्क में आती हैं, और वो हैं जैसे वो औरतें जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता, यानी कि जिनको डायबिटीज की तकलीफ है, फिर वो पेशेंट्स जिनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है यानी कि जो हाइपरटेंसिव हैं, फिर वो पेशेंट्स जिनका वजन ज्यादा है नॉर्मल से यानी कि जो ओबीस पेशेंट्स हैं, फिर आते हैं वो पेशेंट्स जिनको हार्ट की तकलीफ है, हार्ट डिजीज है, या फिर वो पेशेंट्स जिनको लोअर लिम्स में टांगों में क्लॉटिंग की हिस्ट्री है, या तो इनके लिए वैक्सीनेशन कितनी मददगार साबित होगी इस पे भी बात करेंगे। पहले कॉलर से हम बात करना चाहेंगे, सफिया जी हंदवाड़ा से बात करना चाहती है। सफिया जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, पूछिए क्या पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जो हम सुन रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब स्ट्रेसिंग के इशू मैरिज इज गम फ्रॉम लास्ट 14 इयर्स शेस गम तदा वरी गैर खान बस सफिया जी, अगर सदावरी खानदर शिगमित यीशु नुमुमकिन के तय आसु नु नुक्तामत इलाज करनो मुत या ता आसु डॉक्टर सबस हो मुत के प्रॉब्लम ए बस प्रॉब्लम। अच्छा गो अथ कपलस मस छु हस्बैंड इज तकलीफ आ गे कर इस इन्वेस्टिगेशन वार या तो पादराम में कहीं हाल से मन को रे जसाफ कुंभ मजद आईवीएफ। हां ठीक, तो आई वी एफ कोर मरूज प्रेगनेंसी साढ़ शन रतन ओके स्लो लाइन प्लसेंटा तो तम पुम एमनियोटिक फ्लूड सोरी लीक तो बेबी गो डिलीवर सह पांचन दुन लाइव तो पांचन दुन पे तमिक डेथ तो डॉक्टर साहब तम सा मे लास्ट पीरियड गमित तम पुक तान पीरियड आम कफी तह मे 40 ये वंस थोड़ा हायर साइडस पे इवान मगर तीसा हाई तिछन के कि विनकेस आसो त मेनोपॉज गोमुत ये छु इवान मानन सेकेंडरी एमिनोरिया कि महवरियस गसान मगर पद गए के टाइम बाद बंद त्रयो रथो कत ज्यादा तो आख छु ये छु आख अलग सवाल कि महवरी कैस गई ता बंद तात खतर पे अलग पे ऐसे इन्वेस्टिगेट करून दे यम छु ती बना कि आईवीएफ गो सक्सेसफुल मगर पद गए ता प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन लाइकर आप गो लीक तो पत जाओ बच प्री टर्म अत मन कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस यानी कि बच दान हुन गोल मा उस लूज तो बच हुक न धरित इन रोट न बच दान बार बच सुन के तात खतर पे अलग इन्वेस्टिगेशन करन गो आज ची वन जो एस्पेक्ट आप ची वुछुन कि ताई क्या छु महवरी बान तो यम ची वुछुन कि बच दान हुन गोल क्याज रूद याल तो ये क्याज हुक न इम बार रटित यम चीज ची वुछिन तो बाकी तुहद खुद ऑप्शन बे आईवीएफ करना क्या कि एज हायर साइडस पे हस्बैंड सुन टेस्ट ठीक नेरा तो वन हूँ तुम बे आईवीएफ साइकल्स कर डोनर अत खुद मोस्ट प्रॉबली मास अरेंज गुमत तो जी आईवीएफ के लिए दोबारा जा सकते जी, हैं ये नाज़रीन देखते रहिए प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड 19 एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। खेलता है झूलता उछलता है दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है आगे आगे बढ़ता है इंडिया अमूल दूध पीता है इंडिया। नाजरीन दोबारा आपका इस्तकबाल है डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड 19 के आज के इस खसूसी शुमारे में। जी आपको बताना चाहेंगे कि जो अभी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की तरफ से आधार शुमार मिले हैं कोविड 19 से रिलेटेड जो रोज़ यहां पे केसेस सामने आते हैं उस सिलसिले में यहां जम्मू कश्मीर से 298 केसेज आज रिपोर्ट हुए हैं और 573 यानी 573 लोग ऐसे हैं जिनको अस्पतालों से रुखसत किया गया है जो सेहतियाब हुए हैं। बदकिस्मती से 4 अमवात हुई हैं, 2 जम्मू से और 2 कश्मीर से। प्रोग्राम में बात करना चाहेंगे कॉलर से जो अनंतनाग से बात करना चाहती है, आयमन है इनका नाम। आयमन जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ बात कीजिए डॉक्टर साहब, ऐसे क्या पूछना चाहेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम।
डॉक्टर साहब सर से गणेश दिन बताए मुबारक आज डॉक्टर्स डे आ शुक्रिया तमपतवन भी ये कहा कि मेल्स को अचानक यूएसजी करने खातर फॉर सम अदर रीजन गए तो पत कौन मैं तथे यूएसजी मज कि मे उस एंडोमेट्रिक्स थ्री तमिज उस तक साइज 6.6 एमएमओ साइज तो यूथी मैं ये डिटेक्ट गो तो बह गए तम पता डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट गायनोकोलॉजिस्टन वो मैं दुपन तु खे त्रे रतन दवा तो मगर गो करो कैंसर एंटीजन टेस्ट तथ उस मैं रेंज 87 उस तक थाना रेंज पत मे दवा त्रे रतन तो मे गई फर्क तथ गु साइज कम तथ गु 3.3 एम एम साइज तो चूंकि मे बच जामुत मे एज 31 इयर्स तो पत वो मैं डॉक्टर साहब दुपनम दुपस बिस प्लानस करान दिस बच खुद क्या बिस ऑलरेडी 31 तो डॉक्टर साहब दप दपन कि ठेक कंसीव कर विकनस तो मगर अगर तु चाह यु पे सी एंटीजन टेस्ट को तुम रिपीट तथ द्राई रेंजस 59 तो तुम दप चीन बॉडी सो मतलब इट इज रिस्पॉन्डिंग टू द मेडिसन तो अम करो तु चाह प्लान तरफ तो अगर तु चाह करो बे त्रेन रतन कंटिन्यू मेडिसन तो तम पे तो डॉक्टर साहब वन गई ना पांच रथ खा फ्री डेज मेडिसन तो बह चाह तुम मशवर यह चीज पे कि तु क्या सजेस्ट कर सुनिए आयमन जी जवाब सुनिए डॉक्टर साहब बताइए आयमन जी आपकी जो सिस्ट होगी वो सेंटीमीटर्स में होगी मिलीमीटर्स में नहीं होगी सर सेंटीमीटर्स में ही तो जब 6 सेंटीमीटर थी तब वो बॉर्डर लाइन साइज था उसका अब वो मेडिकेशन से 3 सेंटीमीटर हो गई है यानी कि वो काफी कम हो गई है 50% रिडक्शन हुआ है साइज में मतलब कि ये दवाई आपको मदद कर रही है तो मेरा मशवरा ये रहेगा कि क्योंकि आपकी फैमिली भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है प्लस जो ये जो मेडिकल मैनेजमेंट है जो आप दवाई खा रहे हो वो आपको हेल्प कर रही है तो आपके लिए ऑप्शन अच्छा यही रहेगा कि आप सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर लीजिए तो ये सिस्ट मोस्ट प्रोबेबली आपको हार्म नहीं करेगी बाकी जो आप बोल रहे हो ट्यूमर मार्कर CA125 आपका रेज्ड है तो ये जरूरी नहीं है कि खुदा न खास्ता वो मैलिग्नेंट या नाजुक तकलीफों में ही बढ़ जाए ये एंडोमेट्रोसिस का भी एक फीचर रहता है कि मार्जिनली रेज्ड रहता है ट्यूमर मार्कर इनमें भी और ये राइज नहीं हुआ है ये ऑलमोस्ट उसी लेवल पे रहा है 60-50 के बीच में तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है जो डॉक्टर साहब ने आपको मशवरा दिया है वो आपको हमारे हिसाब से भी सही मशवरा है आप सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं क्योंकि एंडोमेट्रोसिस ऐसी तकलीफ नहीं है कि जिसके लिए बार बार सर्जरीज की जाएं बार बार सिस्ट बनती जाएगी बार बार आप सर्जरी करेंगे उससे आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी जी एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं ये जवाहरनगर से बात करना चाहती है बिस्मा जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम जी मुझे 14-15 में लोअर एब्डोमिनल पेन बहुत ज्यादा होती थी ड्यूरिंग पीरियड्स जी तो फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था डॉक्टर साहब के पास मैं गई थी शाहिद अमीर के पास तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो उन्होंने वहां पर मुझे बोला था ओवेरियन सिस्ट है बहुत ज्यादा बड़ी थी तो फिर कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो गई लेकिन अभी भी मुझे पीरियड में बहुत ज्यादा पेन होती है जी ये जो पुरानी तकलीफ रही है ये 2014 से 16 के बीच में रही है तब ओवेरियन सिस्ट थी बट अगर वो बहुत बड़ी थी तो फिर मुझे उन्होंने कुछ इंजेक्शन दिए थे वो मैंने 3 एब्डोमेन पे किए थे वो मुझे फिर उसके बाद ठीक हो गया ओके तो क्या उसके इंजेक्शन लेने के बाद जो आपने अल्ट्रासाउंड किया क्या वो सिस्ट नहीं दिखा रहा था उसमें फिर वो तो नहीं दिखा रहा था ओके तो मतलब लेकिन आप मुझे प्लीज बोले कि क्या मैं फिर से अल्ट्रासाउंड करूँ या कुछ और उन्होंने मुझे बोला था तब से काफी साल हो चुके हैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी बहुत पुरानी हो चुकी है अब ये नई एक इवेंट आपकी लाइफ में आ गई है कि फिर से पेन शुरू हुई है तो इसकी वजूहत हमें नए से अब इवैल्यूएट करनी पड़ेंगी इसके लिए आपको दोबारा से एक डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा चाहे वो मैडम शाहिदा हूँ या आप हमारे पास भी आ सकते हैं हम आपका प्रॉपर चेकअप करेंगे आपके जो जरूरी इन्वेस्टिगेशन होंगी वो करी जाएंगी अगर इमेजिंग की जरूरत पड़ी वो भी कर लेंगे और इंशाल्लाह आपकी तकलीफ का इलाज बता देंगे आज के प्रोग्राम में जितने भी कॉलर्स ने हिस्सा लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ये बताइए अब हमारे पास कुछ मिनट बचे हैं थोड़ी सी वजाहत हम करना चाहेंगे ये जो अभी आपने बात की COVID-19 के हवाले से जो रिस्क फैक्टर किन खवातीन में ज़्यादा है अभी ये बताएं कि अगर किसी खातून को COVID-19 हो गया तो फिर उसके बाद उसका बच्चा जो है बच्चा भी उनका हो गया
लेकिन ये बताइए कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन कौन सी उनकी रहती जी है? जी, ये देखा गया है कि ये जो कोविड है ये एक काफी लंबा खिंचता है इसका इन्फेक्शन। तकलीफ दूर हो गई लेकिन एक सिंड्रोम है पोस्ट कोविड सिंड्रोम करके जो रहता है काफी देर तक पेशेंट के साथ, और उसमें पेशेंट को ऐसी तकलीफें रहती हैं कि उसको सूंघने की स्मेल, टेस्ट की स्मेल अफेक्टेड रहती है, फिर उसको कमजोरी काफी रहती है, थकान, बॉडी एक्स रहती है बहुत ज्यादा, फिर उसको मेंटल कंफ्यूजन भी रहता है, वो सोचने समझने की सलाहियत थोड़ी कम हो जाती है उसकी। प्लस पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में कुछ सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ अंग जैसे कि हार्ट, कार्डिक अरेस्ट हो गया, सडन हार्ट अटैक हो गया, किडनीज डैमेज हो गई, लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया, सांस लेने में तकलीफ रहती है कंटिन्यूअसली, या फिर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्लॉट्स बैठ जाते हैं दिमाग के अंदर, या फिर देखा गया है कुछ स्टडीज में कि अब इनको शुगर की तकलीफ भी हो जाती है बाद में, वो कोविड की वजह से भी हो सकता है या फिर जो ट्रीटमेंट स्टीरॉयड स्पेशली दिए गए हैं कोविड के दौरान उनकी वजह से भी हो सकता है। प्लस अभी हमने देखा कि अलग अलग तरह के फंगल इन्फेक्शन भी इन पेशेंट्स में होते हैं क्योंकि इनका इम्यून स्टेटस काफी कम हो जाता है। अब ये चीज से इन चीजों से बचने के हवाले से बात जो हमें करनी है वो सिर्फ यही है कि जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, चाहे हम इस खातून की बात करेंगे या हम इस बच्चे की बात करेंगे। जी, जी, जी। तो किस तरह से ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं? एक तो जरूरी है कि इसको इस कोविड पेशेंट को जो रिकवर हो चुका है इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि ये इसके सारे सिस्टम्स को अफेक्ट कर रहा है जिसमें इसकी साइकी भी आती है, तो इसको इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है एट ऑल लेवल्स, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद इसकी हाइड्रेशन पे बहुत ध्यान देना है जिसमें मैं पानी कम नहीं होना चाहिए, फिर इसके डाइट पे ध्यान देना है जिसमें मैंने कहा कि इसको डाइट में फ्रूट्स वाइटामिन प्रॉपर मिकदार में मिले ताकि इसकी जो न्यूट्रिएंट्स की ये विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी है वो दूर हो, इसका इम्यून सिस्टम फिर से रिवाइव हो जाए और ये बाकी इन्फेक्शंस के हाथ में ना आए। उसके बाद इसको फिजियोथेरेपी काफी जरूरी है, जो इसका लंग का फाइब्रोसिस है, सांस लेने में तकलीफ है, उसके लिए इसको फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है। कुछ जो एडवांस कंट्रीज है वहां पे रिहैब क्लिनिक्स बनाए गए हैं, काउंसलर्स हैं वहां पे जो इनको प्रॉपरली काउंसिल करते हैं, तो ये सब मेजर बहुत जरूरी है इनको निकालने के लिए। डॉक्टर शैला, आप आखिर पे ये बताइए कि ये जो अभी यहाँ पे कोविड चल रहा है, अब इसमें थर्ड वेव के हवाले से भी मतलब बहुत कुछ कहा जा रहा है, तो उसमें प्रिपरेशंस भी है, उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि SOPs पे अमल दरामद है, वैक्सीनेशन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल है, तो हम चाहेंगे आपसे मुख्तसरन आखिर पे आपका इस हवाले से क्या मैसेज है? व्यूअर्स के लिए मेरी यही मैसेज रहेगी कि जो भी गाइडलाइंस हमारी गवर्नमेंट्स की तरफ से या अथॉरिटीज की तरफ से आती हैं उनको हमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। SOPs हाथ से नहीं जाने देने हैं, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज, हैंड हाइजीन, इसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन खत्म हो गया तो कोविड इज डन, वी आर डन विद कोविड, ऐसा नहीं है। पैंडेमिक की ऐसी ही बिहेवियर होती है कि ये जाता है फिर आता है, वायरल इन्फेक्शन की ऐसी ही कोर्स रहती है कि ये जाते हैं आते हैं, तो कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड बिल्कुल नहीं फॉलो करना है। वी हैव टू बी केयरफुल, डरने की जरूरत नहीं है, बट प्रिकॉशन इज अ मस्ट। प्लस हमारे हाथ में जो अब हथियार आ चुका है वैक्सीनेशन का, वी मस्ट फॉलो दैट। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है इस थर्ड वेव जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कुछ वीक्स के बाद, कुछ महीनों के बाद, उससे बचने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम वैक्सीनेशन से हर्ड इम्यूनिटी बढ़ाएं कम्युनिटी की, प्लस SOPs स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जी, डॉक्टर शैला मीर साहिबान, डॉक्टर स्पीक प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि कल यहाँ पे हमारे स्टूडियो में जो डॉक्टर साहब मौजूद रहेंगे, जो आपके सवालात का जवाब दे देंगे, जो आपको कंसल्टेशन फराहम करेंगे, वो हैं डॉक्टर सलीम वानी साहब, जो रेनाउंड यूरोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट्स ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन सिक्किम मिसौरा। आप उन्हीं नंबरात को डायल करके उनसे कल इसी वक्त इस्तफसार कर सकते हैं, उनसे जवाब ले सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।